अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाहदानी तर्ज हुकूमत और वफाकी तर्ज हुकूमत। और आज हमने वाहदानी तर्ज हुकूमत की खूबियाँ पढ़नी हैं और यही खूबियाँ वफाकी तर्ज हुकूमत की खामियाँ हैं, यानी मेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डी मेरिट्स हैं। और वाहदानी तर्ज हुकूमत क्या है, जिसमें आइन के तहत तमाम तर इख्तियार मरकज़ी हुकूमत को हासिल होते हैं और आइनी लिहाज से कोई इलाकाई या सूबाई हुकूमतें नहीं होती। वाहदानी तर्ज हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत सेंट्रलाइज्ड होती है, उसी के पास तमाम इख्तियार होते हैं और अगर वो चाहे तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियात के लिए छोटे यूनिट्स बना सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना सकती है, उनको इख्तियार दे सकती है और उन इख्तियार में कमी पेशी कर सकती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि वाहदानी तर्ज हुकूमत की खूबियाँ क्या क्या हैं। वाहदानी तर्ज हुकूमत या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहली जो खूबी पाई जाती है वो ये है कि इसमें आइन बहुत लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल आइन होता है, और लचकदार आइन कई लिहाज से बहुत बेहतर होता है। वफाकी ममालिक के अंदर आइन को लचकदार इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि लचकदार आइन की वजह से मरकज़ सूबों के इख्तियारात में कमी बेशी कर सकता है या बड़े सूबे किसी छोटे सूबे के इख्तियारात में कमी बेशी ना कर दें, इसलिए आइन को बहुत रिजिड रखा जाता है। जबकि वाहदानी तर्ज हुकूमत में सूबे या इलाकाई हुकूमतें नहीं होती तो इसलिए ऐसा कोई उस जो वाहदानी तर्ज हुकूमत है उसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से वाहदानी तर्ज हुकूमत में जो आयन है वो काफ़ी लचकदार होता है और ये लचकदार या फ्लेक्सिबल आयन जो होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसको हालात के मुताबिक ढाला जा सकता है और कौमी तकाज़ों को पूरा किया जा सकता है और आवाम के ख्वाहिशात को बहुत इजीली पूरा किया जा सकता है लचकदार आयन के ज़रिए, जबकि वफाकी आयन में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। वाहदानी तर्ज हुकूमत में आइन को आसानी से बदला जा सकता है तो इससे हालात में काफ़ी हमाहंगी पैदा हो सकती है, जबकि वफाकी आइन में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। और वाहदानी तर्ज हुकूमत इस लिहाज से बेहतर रहता है कि इसमें मुल्क बहरानों से और इंकलाबात से महफूज रहता है, जबकि वफाकी ममालिक में हमने देखा है कि कई तरह के बहरानात का सामना करना पड़ता है और इसकी एक रीज़न ये सूबों का और मरकज़ के इख्तलाफात भी हैं। वाहदानी तर्ज हुकूमत के अंदर एक और खूबी ये पाई जाती है कि ये बहुत सादा और आसान फहम तर्ज हुकूमत होता है जो आवाम को आसानी से समझ आ जाता है। सिर्फ एक मरकज़ी हुकूमत होती है, मरकज़ी पार्लियामेंट होती है, मरकज़ी अदलिया होती हैं, जबकि वफाकी तर्ज हुकूमत काफ़ी पेचीदा होता है, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें होती हैं। कई दुनिया में ऐसे वफाक हैं जैसे कि अमेरिका जिसमें एक मरकज़ी और 50 सूबाई हुकूमतें हैं, चाइना है, इंडिया है और कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 20-25 सूबे हैं, 50 सूबे हैं, जिनकी मरकज़ी और इलाकाई हुकूमतों को समझना आम लोगों के लिए काफ़ी पेचीदगी का बाइस बनता है। जबकि वाहदानी तर्ज हुकूमत इस लिहाज से बहुत बेहतर रहता है कि हुकूमत को समझना बहुत आसान होता है। वफाकी तर्ज हुकूमत के अंदर एक और खामी ये पाई जाती है कि इसमें मुख्तलिफ यूनिटों में और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो और मरकज़ी हुकूमतों में फ़र्क पाया जाता है। इख्तियारात की जो तकसीम होती है ये बाज़ औक़ात इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। सूबाई तासुबात बहुत पाए जाते हैं, कुछ सूबे अगर ज़्यादा तरक्की याफ्ता हों तो बाकी सूबों में एहसासे महरूमी बहुत पाया जाता है और सूबाई तासुबात और इलाके से जो मोहब्बत और इलाकाई जो तासुब है इसकी वजह से मुल्क की जो इत्तेहाद और यकजहती है उसको नुकसान भी पहुँचता है। जबकि जो वाहदानी तर्ज हुकूमत है उसमें एक मरकज़ी हुकूमत होती है, सूबों का कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती तो उससे इत्तेहाद और यकजहती काफ़ी आसान रहती है, उसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो मरकज़ी वाहदानी हुकूमत होती है वो काफ़ी हद तक कम खर्च होती है। जिन ममालिक के अंदर वफाकी तर्ज हुकूमत हो वहाँ पर सूबाई हुकूमतों के लिए भी हुकूमती अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं, मुकन्ना इंतजामिया अदिया की बिल्डिंग्स के लिए, उनके वज़रा के अखराजात, इलेक्शन के अखराजात, एक काफ़ी ये वफाकी तर्ज हुकूमत एक काफ़ी महंगा तर्ज हुकूमत है, जबकि वाहदानी तर्ज हुकूमत इस लिहाज से काफ़ी सही रहता है कि इसमें ये काफ़ी कम खर्च तर्ज हुकूमत है। उसके अलावा वफाकी तर्ज हुकूमत की एक और ख़ूबी ये है
वाहदानी तर्ज़ हुकूमत की कि ये छोटी रियासतों के लिए बहुत मौजू रहता है, एक मरकज़ी हुकूमत के अंडर पूरी रियासत का निज़ाम चलाया जा सकता है। और वफाकी तर्ज़ हुकूमत की ये खामी है कि ये छोटी रियासतों के लिए मौजू नहीं होता, जहाँ पर एक छोटी सी रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात के हामिल वफाकी तर्ज़ हुकूमत को अपनाया जाता है, ये किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं होता। उसके अलावा वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि एक मरकज़ी हुकूमत होती है और वो एक पॉलिसी बनाती है जो पूरे मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात मरकज़ और सूबों में अगर सेम हुकूमत, सेम पार्टी की हुकूमत ना हो, तो कोई पॉलिसी जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किलात का बायस बनती है और बाज़ औक़ात कोई ठोस या मौसर पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। इसकी मिसाल आप पाकिस्तान में देख लें कि मरकज़ी सतह पर PTI की गवर्नमेंट है और सूबाई सतह पर सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो कोविड के इशू से रिलेटेड हेल्थ जो इशूज़ हैं, या आप कह लें कि हेल्थ पॉलिसीज़ या एजुकेशन पॉलिसीज़ के हवाले से सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट है, इनके ऊपर इनका ये कोई इनके दरमियान इत्तेफाक अक्सर ऐसा होता है कि इनके दरमियान कोई इत्तेफाक देखने में नहीं आता, जबकि अगर वाहदानी तर्ज़ हुकूमत हो तो ऐसा नहीं होता, बल्कि एक मरकज़ी हुकूमत होती है और उसी की पॉलिसी पूरे मुल्क के अंदर नाफिज होती है। उसके अलावा वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में एक मरकज़ी हुकूमत होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पॉलिसीज़ एक होने के साथ साथ एक और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें अलहदगी का इम्कान नहीं होता, जबकि जो वफाकी तर्ज़ हुकूमत है इसमें सूबाई हुकूमतें अलग से होती हैं और अलग हुकूमतें अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं, और बाज़ औक़ात शरपसंद अनासिर या तासुबात वाली सियासी जमातें किसी इस रियासत के किसी इलाके को अलहदा करने का बायस भी बनती हैं, जैसे कि मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, उसकी अलहदगी हमें नज़र आती है कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, उसने इस तरह के नारे लगा कर अवाम को अपने साथ मिलाया और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बना। उसके साथ साथ हमें एक और ख़ूबी जो वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में नज़र आती है वो ये है कि वाहदानी तर्ज़ हुकूमत काफ़ी बेहतर रहता है, अगर किसी मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो सिर्फ़ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसने डिसीजन लेने होते हैं और बहुत आसानी के साथ उस मसले को हल किया जा सकता है और डिसीजन मेकिंग इसमें काफ़ी आसान होती है, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इमरजेंसी सिचुएशन में मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से मंजूरी लेना काफ़ी मुश्किल होता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफ़ी डिले कर देता है, बहुत सारे फैसलों में काफ़ी देर हो जाती है। वफाकी वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में एक और खूबी ये है कि इसमें जो अदलिया है उसके पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो आइन की तशरीह कर सके या आइन की सुप्रीमेसी को वो बरकरार रख सके, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अदलिया की जो बेजा दखल अंदाजी है उससे हुकूमत महफूज रहती है, जबकि वफाकी तर्ज़ हुकूमत में ऐसा होता है कि अदलिया के पास इख्तियार होता है कि वो आइन की तशरीह करती है, मरकज़ और सूबों के इख्तियार की वजाहत करती है, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि अदलिया की दखल अंदाजी वफाकी तर्ज़ हुकूमत में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा मरकज़ी जो वाहदानी तर्ज़ हुकूमत है उसमें जो भी हुकूमत के तमाम इख्तियार होते हैं वो एक मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, उससे किसी किस्म के दबाव या दुश्वारी का मुकाबला नहीं करना पड़ता, और पूरे मुल्क के अंदर किसी किस्म के जब सूबाई हुकूमतें नहीं होती और जो लोकल पार्टीज़ हैं वो नहीं होती, और इस वजह से तासुबाद और दाखिली इंतशार नहीं होता और हुकूमत काफ़ी इस्तेहकाम का शिकार रहती है, जबकि वफाकी निज़ाम में मरकज़ में और सूबों में बाज़ों का इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें अपने पार्टी के मफादात के लिए आवाम को गुमराह करती हैं, जिसकी वजह से है हुकूमत के इस्तेहकाम में और बाज़ औक़ात मुल्क के इस्तेहकाम को भी ख़तरा उससे दरपेश होता है। तो ये चीज़ें हमें वफाकी तर्ज़ हुकूमत में ज़्यादा नज़र आती हैं, जबकि वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में एक हुकूमत होने की वजह से ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में एक और चीज़ जो उसकी पॉजिटिव है वो ये है कि पूरे मुल्क के अंदर यकसा कानून लागू होता है, जबकि वफाकी तर्ज़ हुकूमत में जिन अमूर पर सूबाई हुकूमतें अपना कवानीन बना सकती हैं वो कानून साजी मरकज़ी हुकूमतों से अक्सर औकात अलग भी करती हैं, जैसे मैंने कोविड के इशू की आप मिसाल दी, इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे और जिस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सूबों के पास हैं और उसमें मरकज़ी और सूबाई जो पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने में नज़र आता है, और बाज़ औक़ात ये चीज़ें मरकज़ी और सूबाई अमूर के लिए को उलझाने का भी बायस बनती हैं,
और जो यकसां कानून ना होने की वजह से कई किस्म की पेचीदगियाँ भी हमें वफाकी ममालिक में देखने में नज़र आती हैं। वाहदानी तर्ज़ हुकूमत का एक और फ़ायदा ये है कि एक मरकज़ी हुकूमत के अंडर होने की वजह से और एक जो भी पार्टी जीतती है सिर्फ उसी की हुकूमत होती है, तो मुल्क में काफ़ी इत्तेहाद हमें नज़र आता है और बैरूनी मुदाखलत से महफूज रहता है। जबकि वफाकी तर्ज़ हुकूमत में समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोविंसेस में और पार्टीज़ की गवर्नमेंट होती है और मरकज़ी सतह पर जो पार्टी जीतती है वो कोई और पार्टी होती है। इससे अगर वो पार्टीज़ अगर सूबाई तासुबात फैलाएँ तो काफ़ी नुकसानात भी देखने में आते हैं, और बाज़ औक़ात पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए या बैरूनी जो आप कह लें साजिशों का साथ देते हुए बाज़ पार्टीज़ अपनी रियासत के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ काम करती हैं और वो मरकज़ी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। किसी किस्म की जो बैरूनी मुदाखलत होती है उसको सपोर्ट करते हुए करती हैं, तो इससे वफाक के टूटने का ख़तरा पैदा होता है। इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की है कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा कराने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, जिसने मशरक़ी पाकिस्तान के जो आवाम थी उनको मशरक़ी बॉर्डर से असलहा फ़राहम किया, फ़ौजी कार्रवाई करके उनको मदद फ़राहम की और मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में इंडिया का एक बहुत बड़ा हमें हाथ नज़र आता है। तो बैरूनी मुदाखलत जो है वो उसमें वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में उसका ख़तरा कम होता है, जबकि वफाकी तर्ज़ हुकूमत में उसका ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है। इसके अलावा जब वाहदानी तर्ज़ हुकूमत होता है तो एक तर्ज़ हुकूमत होता है जिसकी वजह से दाखिली लिहाज से काफ़ी पुरअमन होती है वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में, लेकिन जो वफाकी तर्ज़ हुकूमत है उसमें दाखिली इख़लाफ़ात काफ़ी देखने में आते हैं। मरकज़ में जो जिस पार्टी की हुकूमत होती है सूबाई सतह पर दूसरी पार्टियों की हुकूमत हो तो उससे दाखिली इख़लाफ़ात को काफ़ी हवा मिलती है और सेम पॉलिसीज़ हमें देखने में नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पर जब दो पार्टीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा इख़लाफ़ात पाए जाते हों, नज़रियाती इख़लाफ़ात पाए जाते हों, तो मरकज़ और सूबों में अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट काफ़ी दाखिली इंतशार का बायस बनती है। तो ये थी वो खूबियाँ जो कि हमें वाहदानी तर्ज़ हुकूमत में नज़र आती हैं, और यही सब वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खामियाँ हैं। और टॉपिक यहाँ पर आपका कम्प्लीट होता है।